बिग बॉस 14 सलमान खान के सामने जिक्र होते ही दिशा परमार ने राहुल वैद्य को भेजा अपना जवाब, फैंस ने मनाया जश्न। दिशा परमार को नेशनल टेलीविजन पर प्रपोज कर राहुल ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस दिन के बाद से राहुल वैद्य दिशा परमार से बात करने के लिए बहुत ही बेताब है। तभी तो इस बार वीकेंड के वार पर सलमान खान से राहुल वैद्य मिन्नतें करते नजर आए। राहुल वैद्य ने सलमान खान से कहा कि वो दिशा परमार से प्रपोजल का जवाब देने के लिए कहे। राहुल वैद्य ने सलमान से कहा कि वो दिशा परमार से प्रपोजल का जवाब देने के लिए कहे। राहुल वैद्य की आवाज़ सुनकर सलमान खान ने उनकी जमकर टांग खिंचाई की। इस दौरान सलमान खान ने राहुल वैद्य से कहा कि जल्द उनको प्रपोजल का जवाब मिल जाएगा। इसी बीच दिशा परमार ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया कि उन्होंने राहुल वैद्य को अपना जवाब भेज दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, बीती रात ही दिशा परमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने अपना जवाब भेज दिया। गौरतलब है कि राहुल वैद्य के प्रपोजल के बाद से सबको उस दिन का इंतजार है जब दिशा परमार राहुल वैद्य के प्रपोजल का जवाब देंगी। कॉलर ऑफ द वीक के दौरान भी दर्शकों ने राहुल वैद्य से इस बारे में बात की। कुछ ऐसा ही हाल घरवालों का भी है। कुछ समय पहले ही जैस्मिन बसीन और एलिगोनी शादी के प्रपोजल को लेकर राहुल वैद्य की मजाक बनाते नजर आए। इस दौरान इन दोनों सितारों ने खुलासा किया कि वो दिशा परमार के जवाब को सुनने के लिए बेकरार है। दिशा परमार के ट्वीट से साफ है उन्होंने राहुल वैद्य को घर में अपना पैगाम भेज दिया, ऐसे में जल्दी राहुल वैद्य को उनके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये बात सुनते ही राहुल वैद्य और दिशा परमार के फैंस खुशी के मारे झूमने लगे। सोशल मीडिया पर लोग जश्न मना रहे हैं। अब फैंस को उस घड़ी का इंतजार है जब राहुल वैद्य को दिशा परमार का संदेश मिलेगा। एक यूजर ने लिखा कि मैम थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर, ही इज अ वेरी स्वीट एंड नाइस पर्सन। कोई कुछ भी बोले वो सही है और हमेशा सही होता है। एक यूजर ने लिखा कि यार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जवाब हाँ ही हो, मैं राहुल वैद्य को दुखी नहीं देख सकती। यूजर ने लिखा कि दिशा परमार मैम वी आर वेटिंग #रेसा। एक यूजर ने लिखा कि हमें मालूम है आपका क्या जवाब होगा, हाँ ही होगा, आप दोनों खुश रहे हमारे रूबीना अभिनव की तरह। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।